गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय माता दी। तो आज हम लोग जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने, और ये वीडियो है, गांव में हम लोग शूट किए थे, अब तो हम लोग दिल्ली आ चुके हैं, पर कि बस किसी कारण हम ये ब्लॉग डाल नहीं पाए। तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची चलो ये ब्लॉग इतने उससे बनाई हुई हूँ तो डाल ही देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग गांव गए थे तो कितनी ज़्यादा मस्ती किए, कहाँ कहाँ घूमे, और बहुत ब्लॉग बनाए थे, पर कुछ बस किसी कारण मुझे डिलीट करना पड़ा। तो जो मैं खुद शूट करी थी वीडियो, तो वो तो सही था, जो कोई और करता था किसी और के मोबाइल में, क्योंकि मैं मायके जाती हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं रहती, तो काफ़ी वीडियो ख़राब थी, तो मैं मायके वाली वीडियो एक भी नहीं डाल रही हूँ, सारा हटा दी हूँ। तो मैं ससुराल आने के बाद जो ब्लॉग शूट करी हूँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल विंध्यवासिनी मैया के दर्शन करने। तो हम लोग आ चुके हैं अभी अपने गांव के मार्केट में लालगंज। तो यहाँ की फेमस लस्सी जो है, तो पीने के लिए रुके हैं, और छोटू नहीं पिएगा, उसे नहीं पसंद है, वो पिएगा कोल्ड ड्रिंक, और हम तीनों पिएंगे लस्सी, मलाई वाली लस्सी, बहुत टेस्टी रहती है, हम जब भी आते हैं इधर तो ज़रूर पीते हैं। और उसके बाद लस्सी पीने के बाद चल दिए, क्योंकि सुबह हम लोग सिर्फ चाय पी के निकले थे, तो गर्मी का टाइम है तो ठंडा ठंडा तो चाहिए ही, तो हम लोग लस्सी पिए, उसके बाद निकल पड़े माता रानी के भवन जाने के लिए। तो यहाँ दोनों बच्चे भी हैं, मैं हूँ, सिर्फ हम चार लोग ही जा रहे हैं, मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पापा की तबीयत नहीं सही है, तो इसलिए मम्मी नहीं जा रही हैं, हम चार ही जा रहे हैं। तो मस्ती करते हुए निकल पड़े माता रानी के दर्शन के लिए। और ये रोड इतनी अच्छी बन गई मिर्जापुर जाने वाली। पहुंच गए माता रानी के धाम में, और गाड़ी पार्किंग में लगा के चल दिए प्रसाद लेने के लिए। तो जिस भैया के पार्किंग में गाड़ी लगाए थे, उसी भैया के यहाँ से प्रसाद लेना है, क्योंकि एक भैया तो पार्किंग के पास रहते हैं, तो दूसरे भैया प्रसाद वाले जो दुकान होती है उसमें रहते हैं, तो उनके यहाँ से ही प्रसाद भी बंधवा रहे हैं हम लोग। और यहीं जो सैंडल वगैरह है बच्चों का और मेरा, तो यहीं खोल के जाएंगे इन्हीं के दुकान पर, और सही है, यहाँ सही रहेगा। पर इतनी तेज़ धूप है और गर्मी है कि जैसे ही स्लीपर उतारेंगे हमारा तो हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो चल के इतनी दूर, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। वो तो यहाँ हम लोग प्रसाद ले लिए और चल दिए माता रानी के मंदिर जाने के लिए। और बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनका पैर जल रहा था, तो कभी कभी जैसे कहीं कहीं छा मिल रही थी और गीला रहता था, तो बच्चे जाके वहीं खड़े हो जाते थे, और इतना तेज़ गर्मी थी, इनकी शक्ल देखो कैसी हो गई गर्मी से, और ये शेविंग वगैरह नहीं कराए, कटिंग वगैरह, और यहाँ भी इतना ज़्यादा ये फर्ज गर्म था कि हालत ही ख़राब हो गई थी मंदिर तक जाने में हम लोगों की। बस माता रानी का नाम लेते लेते हम लोग चले थे और छोटू बोल रहा था मम्मी बहुत जल रहा है, मैं बोली बस माता रानी का नाम लेके चलो सब सही रहेगा। तो बोल जय माता दी करते बच्चे चल रहे थे, और कहीं जैसे पानी दिखे ना, तो छोटू थोड़ा सा गिराने लगे पानी की, पैर मेरा जले ना। और यहाँ हम लोग जा रहे थे, बस पहुँच गए माता रानी के मंदिर,
उसके बाद हम लोग दर्शन किए और उसके बाद भूख लगी थी बहुत तेज़, क्योंकि सुबह सिर्फ हम लोग ऐसे ही आए थे, ज़्यादा कुछ खाए भी, चाय बस लस्सी वगैरह पिए थे तो भूख काफ़ी तेज़ लग गई थी। तो उसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद यहाँ आ गए खाना खाने के लिए। और उसके पहले तो हम लोगों का प्लान था कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, उसके बाद रूम पे चलते हैं, क्योंकि हमारे चाची चाचा यहीं रहते हैं मिर्ज़ापुर में। तो हम लोग सोचे वहाँ चल के कुछ खाएंगे, खाना बना हुआ है खाना, और यहाँ नाश्ता कर लेते हैं। पर यहाँ नाश्ता लेट हो गया था तो नाश्ता नहीं मिल रहा था, तो सीधा हम लोग फिर खाना ही खा लिए। तो खाना खाएंगे, अभी हम लोग देख रहे थे क्या खाना है। तो छोटू तो चाउमीन बोल रहा था और मैं सब्जी रोटी बोल रही थी, तो यही सब खाएंगे उसके बाद निकल पड़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, थोड़ा एसी चली, थोड़ा आराम मिला। और हर्षित के सिर में दर्द हो गया है धूप में चलने से, और काफ़ी गर्मी भी है, आदत भी नहीं है इतना धूप में उसे, तो इसलिए उसके सिर में दर्द हो गया है। तो बोल रहा था मेरे से कि मम्मी मेरे सिर में दर्द है। तो उसके पापा से मैं बोल रही थी कि हर्षित की तबीयत लगता है ख़राब हो जाएगी क्या, उसके सिर में दर्द है। तो बोले कोई बात नहीं, गर्मी से दर्द है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो देखेंगे दवा वगैरह लेंगे। और यहाँ छोटू तो मस्त है, और यहाँ जैसे कि चंदन सबको लगा था पर सिर्फ मेरा और छोटू का चंदन है। तो वही इनसे बोल रही थी कि ऐसे लग रहा है सिर्फ मैं और छोटू दर्शन करके आ रहे हैं और हर्षित हर्षित के पापा दर्शन करके नहीं आए हैं। तो हर्षित बोल रहा था कि हम लोगों का छूट गया, वो पसीना बार बार हो रहा था तो पूछ रहे थे हैंकी से, इसलिए छूट गया और आप लोग नहीं पूछे हो, इसलिए आप लोगों का बचा हुआ है। पर हम लोगों ऐसे हैं, और छोटू तो वो अपना चंदन नहीं, अगर मिट भी जाएगा ना तो बोलेगा कि मुझे फिर से लगाओ चंदन, दोबारा लगवाएगा। तो और हर्ष को ना कभी भी चंदन लगा दो, उसे ज़्यादा पसंद नहीं है चंदन, वो हटा देता है। तो इसलिए और इनका तो हटता नहीं, पता ना कैसे पसीना, इतना ज़्यादा गर्मी है कि पसीने से इनका चंदन बह ही गया। और मेरे जब भी ये चंदन लगाते हैं ना मेरे, तो इतना बड़ा ही लगा देते हैं। तो मैं इनसे बोल रही थी छोटा नहीं लगा सकते, इतना बड़ा चंदन लगा देते हो। तो पंडित भी लगाए थे और इनके हाथ में चंदन लगा था तो ये भी लगा दिए थे। उसके बाद हम लोग रूम के पास पहुंच गए थे, तो मैं पीछे बैठ गई थी, हर्षित को आगे बैठा दी। अच्छा नहीं लगता गांव में आगे बैठ के चलना, तो हम छोटू पीछे बैठ गए थे और भैया भी आ गए थे, क्योंकि थोड़ा रास्ता हम लोग भूल गए थे तो इतना पता नहीं था रास्ता। आए हैं पर खुद की गाड़ी से नहीं आए हुए हैं चला के, तो नहीं पता था इतना। तो फिर भैया आए बाइक लेके, हम लोग भूल के कहीं और चले गए थे किसी और गली में, दूसरे गली में। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद भैया आए, तो आगे आगे भैया चल रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए हम घूंघट नहीं किए हैं, जैसे ही रूम के पास पहुँचेंगे घूंघट कर लेंगे, क्योंकि भैया आगे आगे जा रहे हैं। तो Thank you.
नौकरी बनती जाती है। एकदम बीच में ऐसा लगा कि वो टापू बोली बना देना थी साल से मानता माना है किसने 16 साल कितने साल से 16 साल के बाद मानता पूरी करने जा रही हूँ। कैसे मानता हुई पापा पापा की तबीयत खराब थी ना तो नेहा दीदी के पापा मानता माने थे कि जब ठीक हो जाएंगे तो जाएंगे दर्शन करने पापा के दर्शन करने काशी भी सुना था। पहले ना हम सोची ना कि वहाँ वो इसे नहीं हम पचे इतना पता ही नहीं रहा अरे हाँ रिलायंस पेट्रोल पंप रहा हाँ काफी दूर रहा रंजीत इनकी कट जाएगा सफर साथ चलने से कोलकाता साथ साथ धन्यवाद जितना यहाँ से दिल्ली उतना यहाँ से कोलकाता और सच में यार मस्त कभी नहीं गए कभी भी नहीं गए हम भी पहली बार जा रहे हैं। तो कौन सा पहली बार गए जो जिंदगी में पासी तस्वीर पहले हमें पता ही नहीं था हमें यही पता था कि वहाँ बस शमशान घाट है और कुछ नहीं उसके बाद पता चला पहले नहीं था जी या भोलेनाथ जी की जगह वहाँ पे वो नहीं होता होगा शमशान घाट है है शमशान घाट वो जो कन्हैया लाल बड़कप्पा है ना वो तो अपने पिताजी को ले गए थे वहीं काशी भी कछुआ गाँव का नाम हुआ अजीब अजीब कछुआ ऐसे रोड बनी रहे थे दिल्ली कितने उसमें कितने घंटे में दिल्ली पहुंच जाओ ऐसे रोड मिले तो कितने घंटे में दिल्ली पहुँचो ऐसे तो रोड बाद दिल्ली का नहीं जैसे यहाँ इलाहाबाद से हाँ लेकिन ये बात कि दिल्ली से आवा समय ना शहर पड़ा था यहाँ देखा शहर सब नीचे कह दिए ड्राइवर बना दिए शहर के अंदर घुसा इनकी नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलाने में कैसा लग रहा है गाड़ी 5 नंबर लगा के छोड़ दिए प्लस दबाना है ब्रेक हल्का ब्रेक दबाना है बस इंजॉय करो गाड़ी चलाओ हमको भी सिखा दो हम भी चलाएं फिर हम दिल्ली से आएंगे हम लेके आएंगे अरे दो लोग अगर तुम चलाओ तुम भी चलाने लगोगे मैं भी चलाने लगूंगा तो आराम से थोड़ा 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 चला के धीरे धीरे आ जाएंगे मैं सीखूंगी वहां तो स्कूटी या तो कार मुझे चलाना है कार स्कूटी तेरे बाबू का इतना पैसा नहीं है कि फॉर्चूनर ले सके बड़ी मुश्किल से
चीयक पापा की जो गाड़ी है, वेस्ट बंगाल की गाड़ी, यहाँ पे हर नंबर की गाड़ी मिली है। ये वही है ना जो चीयक पापा की कलकत्ता की गाड़ी है। पापा चाय खाबो कभी पहुंचे?